Hey guys, what's up and welcome back to the channel. Welcome back to another vlog and welcome back to another weekend. So, मेरे को actually time नहीं मिला पिछले weekend कहीं जाने का, but हाँ इस weekend फिर से हमने नया plan किया है और फिर से मैं Boulder आया हूँ. Denver से Boulder एक घंटे का करीबन travel जो लगता है बस से, फिर से वापस उसी जगह पे उसी place पे, but एक नया ट्रैक और एक नई ट्रैक के साथ. तो अभी आगे ट्रैक की पूरी डिटेल्स दूंगा, पूरा मैप वगैरह दिखाऊंगा, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं. लेकिन हाँ, मैं वो चीज़ें रिपीट एक्चुअली नहीं करना चाह रहा था जो कि हम मैं ऑलरेडी पिछली बार दिखा चुका हूँ. तो इसके लिए मैंने काफ़ी चीज़ें वीडियो में नहीं डाली. हाँ, लेकिन इस बार कुछ नया ज़रूर दिखेगा. और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का. तो टाइम हो रहा है 2:48 और वेदर है अभी 17 डिग्री. नॉर्मली यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा वेदर है क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे इतना अच्छा वेदर होता नहीं है. तो इतना ज़्यादा गर्म, इतना अच्छा वेदर नहीं होता. नॉर्मली यहाँ ठंडी होती है यहाँ पे. हाँ, बट आज काफ़ी अच्छा वेदर है और इस वेदर के साथ मैं सोच रहा हूँ पार कर ही दूँ क्या यार. गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत देर से, मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ. फाइनली सिग्नल ऑन हुआ. जैसे कि मैं बता रहा था बोल्डर के बारे में, तो बेसिकली बोल्डर जो है वो कोलोराडो के ही एक छोटा सा दूसरा सिटी है, एक पहाड़ी एरिया है. जैसे कि हमारे यहाँ पहाड़ी एरिया इंडिया में होते हैं, वैसे ही बोल्डर भी है, एक हिल स्टेशन काइंड ऑफ. अगर ध्यान से देखो तो ऊपर चढ़ाई भी है, तो यहाँ से चढ़ाई भी चालू हो चुकी है. तो सिटी बहुत प्यारी है ये, और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत कम है. तो मेरे साथ के बंदे मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं पीछे रुक गया था और नाउ दे आर वेटिंग फॉर मी बिकॉज मैं काफ़ी पीछे रह गया था उस ट्रैफिक सिग्नल की वजह से. ये लोग तो आगे आगे भग गए और मैं पीछे रह गया. मुझे लगता है यहाँ से हमारी चढ़ाई जो है वो चालू हो चुकी है. इकतीस मिनट की चढ़ाई, 2.35 किलोमीटर हो चुका है ये चढ़ाई में. और ये अभी तो बाकी है, अभी तो हमने ट्रेल शुरू भी नहीं हुई. अभी खाली ट्रेल की शुरुआत तक पहुँचने के लिए हमने लगभग 3-3.5 किलोमीटर की ये चढ़ाई है. चढ़ी मतलब ऊंचाई में रोड है, वहाँ जाकर के फिर आप तक ट्रेन तक पहुँचोगे. है जगह बहुत खूबसूरत, मगर पहुँच चुके हैं ट्रेल के हेड पे. नज़ारा एक भाई क्या लोग चाहिए ख़राब. एक जाएंगे साथ में ऊपर, पर पीछे का नजारा ओए होए. ये है स्टेल का नाम चौटाकुआ. यू आर हियर, फोकस नहीं ले रहा ये. हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम, कहाँ से जाएंगे भाई, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे. अरे ये चल तो सही, थोड़ा घूम के आप आ जाएंगे. चलिए नहीं, पक्का नहीं चल रहे तो कहाँ बैठोगे. यही भी फिर से हम गाना गाते हुए मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन. आज फिर से हम कामयाब होंगे और ये ट्रेल हम कोशिश करेंगे पूरी करने की. पूरी नहीं, आधी तो पूरी करेंगे कम से कम. यार ये जगह है बहुत खूबसूरत, मतलब है कि यहाँ पे स्नोफॉल एक्चुअली होती रहती है. पहाड़ी एरिया है तो कई जगह बर्फ़ पिघल चुकी है, कई जगह बर्फ़ स्लिपरी हो चुकी है. तो
एक छोटा सा इशू है, हल्का सा ही है, बट हाँ नेवर माइंड, कोई इतना बड़ा नहीं है, हम कर सकते हैं इसे पूरा। तो दिख रहा है ये ब्लैक एरिया जो है, ये पूरा वाइट स्नो है क्योंकि ये गीली हो चुकी है, ये ब्लैक वाला जो निकल चुकी है। बट इसका व्यू देखने के बाद ना मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि मैं पीछे मुड़ूँ और चलते जाओ आगे और देखते रहो। देखो नज़ारे तो कवर करेंगे कम से कम, क्योंकि एक साथी हमारे नीचे भी वेट कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को वेट कराना अच्छा नहीं है। और हम बहुत ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। कीप डूइंग देख के तुम ना चक्कर में गिर मत जाना। नहीं 3.37 किलोमीटर ऑलरेडी डन हो चुके हैं हमारे ऊंचाइयों में। नीचे जाना है पूरा उस पॉइंट तक, उससे भी नीचे जाना है, वो दिख नहीं रहा है यहाँ से पॉइंट। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत स्लिपरी है, देखो लोग भी स्लिप करके आ रहे हैं एकदम, यहाँ पे टू स्लिपरी। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर सुबह आओ, जितना जल्दी आ सको उतना अच्छा है यहाँ के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 4 बजे, हल्का अंधेरा होना शुरू हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि धूप आती नहीं है। पता है, मैंने पहली बार देखा पहाड़ों में धूप नहीं आ रही है, क्योंकि इंडिया में हमारे पहाड़ों में अक्सर बहुत अच्छी धूप आती है, लेकिन यहाँ पे इतनी धूप नहीं है। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे जल्दी आओ तो बेटर है, इस टाइम भी बुरा नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, अभी भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अभी भी लोग ऊपर तक जाएंगे, लेकिन बेटर यही है ताकि आप शहर में सिटी भी घूम सको, जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। क्यों कपिल भाई, एब्सोल्युटली राइट। अरे बाल इतने बड़े हो गए यार, मुझे अब सही में कटाने पड़ेंगे। अब तो क्या जाहिर है, सबसे पहला मेरा टारगेट यही है, वहाँ वापस आके मैं सबसे पहले बाल कटाने हैं अपने, वापस इंडिया जाके। यहाँ बहुत महंगा है बाल कटाना। This is the place we are going now. Little dip, but bhai ko Indian food pasand aa gaya to fir humne yahi aa gaye khana khane. Aur ye Indian restaurant mein khana khane ke liye, Indian to nahi hai, little tibet hai ye. To little tibet matlab net pe dekha tha, kafi achhi ratings lag rahi thi iski, to maine socha ki yahan aake try karte hain ki kaisa hai yahan ka khana. और काफ़ी कुछ है यहाँ पर, पहली बार मुझे यहाँ पे मोमोज दिखे हैं, ओह माय गॉड। और मोमो मतलब असली वाले मोमो, डिमसम पिमसम वाला नाम नहीं लिखा है, रियल मोमो मतलब। देखते हैं क्या यहाँ ऑर्डर करते हैं यहाँ पे, आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेल हम कुछ खाना ज़रूर बनता है और दबाए खाने वाले हम लोग।